हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज राठौर और मैं एक किराना सेल्समैन हूँ। हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैं किस तरह बाजार से सामान लाता हूँ और बाइक पर कैसे कैसे सामान लगाता हूँ और मेरे पास क्या क्या सामान होता है और मैं किस तरह सामान बेचता हूँ और एक दिन सामान बेचने पर मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास कुछ सामान रखा हुआ है और कुछ मैं जा रहा हूँ बाजार से लेने। जो जो सामान मेरे पास नहीं है वो मैं अब बाजार से लेकर आऊंगा। दोस्तों, ये मैंने सामान लिया है, संतरा के 5 जार लिए हैं और 2 दिल लॉलीपॉप और 1 जग गटागट और इमली कप और डार्क ब्रावो और सतमोला की डिब्बी और सतमोला का पैकेट 1 रुपए वाला और पान रसीला 1 रुपए वाला, इमली 1 की 4 और 1 रुपए की 1 दोनों इमली ली है और आम पापड़ 1 रुपए वाला और अनार चस्का 1 रुपए वाला, मैगी की पेटी ली है 5 रुपए वाली और नमकीन वाले बिस्किट लिए हैं और 10 नमकीन के पैकेट लिए हैं 5 रुपए वाली और 1 पतंग पोला लिया है। टोटल 4000 का सामान लिया है और आप देख सकते हैं ये भैया की दुकान है। सभी तरह का कंपेंसरी का आइटम है, सभी प्रकार के बच्चों के आइटम है, टॉफी चॉकलेट बिस्किट जेली सभी तरह के आइटम आपको दिख रहे हैं। तो सभी तरह के आइटम है, जलजीरा वगैरह जेली 1 रुपए वाला पेड़ा इनाम और टॉफियों के जार सतमूला का कट्टा। तो आप देख सकते हैं सभी तरह के आइटम है, यानी कंपेंसरी का जो जो बच्चों का आइटम रहता है वो सभी प्रकार का आइटम है। ऊपर भी जो जार लगे हुए हैं गटागट वाले 1 रुपए का 1 आता है और चूरन की काड़ी है और आप देख सकते हैं 12 नमकीन के कट्टे लगे हुए हैं और नमकीन के पैकेट हैं और ये हमारी मार्केट है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा सामान है और क्या क्या सामान है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये है डार्क ब्रावो 5 रुपए बिक्री में है और सबसे ज्यादा बिकता है और ये है फ्रेश फ्रूट चिंगम है 1 रुपए वाली और ये है दोस्तों इमली कफ 1 रुपए की बिक्री है और इमली कफ है और ये है दोस्तों 5 रुपए वाली डेरी मिल्क्स और ये है चूरन के गटागट 1 रुपए के 2 हैं और ये है पल्स, ये ऑरेंज की टॉफी है 1 की 2, ये ऑल टाइम है 1 रुपए की 2 टॉफी है और ये संतरा की टॉफी है, ये लॉलीपॉप का जार है 2 रुपए वाला, ये जेली है जेली, ये है दोस्तों मिस्टर पांडा है 1 रुपए में 2 लड्डू मन में लड्डू फूटा, ये है दोस्तों डेरी रोल 5 रुपए की बिक्री में है, ये है डेरी रोल और इसे आप देख सकते हैं दोस्तों ये है वेफर है 5 रुपए वाला है ऊपर से नीचे तक एक ही है और ये है दोस्तों धूम बूम आम पापड़ 5 रुपए बिक्री का है और ये है दोस्तों 1 रुपए बिक्री का है जेम्स पत्ता है, अगर पूरा इसे बेचते हैं 1 साइड का 5 रुपए का बिकता है और ये है दोस्तों अनार चस्का चटोरी और ये फ्रूट संतरा और इसमें कई तरह के आइटम आते हैं, 10-12 प्रकार के आते हैं, चंदा तारे खट्टी मीठी हाथी वाला इस तरह के आइटम आते हैं और ये है पान रसीला मधुराजा का पान रसीला है, इसकी है ना ठंडी गोली आती है, अगर खाओगे तो मुंह ठंडा हो जाएगा। ये पंचवटी की स्नैक्स सॉस 1 रुपए बिक्री वाली है, ये स्टार है स्टार स्वीट्स 1 रुपए की बिक्री है, एल्पा का भी 1 रुपए बिक्री है और ये है सौंधी हर रहे पेट खराब हो जाता है तो बच्चे बूढ़े सभी इसे खाते हैं, पेट हाजमा इससे सही हो जाता है और ये है दोस्तों ब्लैक संतरा 1 रुपए की 1 टॉफी है और ये है दोस्तों जग गटागट और इसे आप देख सकते हैं ये है चूरन और 1 चूरन का पाइप जाएगा और इसमें साथ में जाएंगे नोट आप देख सकते हैं इसके साथ में 1 रुपए में 1 नोट और 1 चूरन का 5 बच्चे बहुत लेते हैं इसे और ये है हल्दी और ये धनिया और ये मिर्ची पाउडर 10-10 रुपए बिक्री में है और इधर आप देख सकते हैं दोस्तों ये बैग में प्रसाद रखा हुआ है और ये बिस्किट है नमकीन वाले और क्रीम वाले भी हैं इसमें अंदर, इसमें चंदा तारे अगरबत्ती भी रखी हुई है, इसमें जलजीरा सुनील जलजीरा मसाला हींग वाला और ये है दोस्तों क्रीम वाले बिस्किट, ये है दोली नमकीन और इधर आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी पेटी रखी है कुरकुरे चिप्स पास्ता, इनको छोड़कर और सारा सामान बाइक पर मैं अभी लगाऊंगा और लगाने के बाद आपको बताऊंगा। ये है दोस्तों पापा की परी 5 रुपए बिक्री में और इसमें ना खिलौने वगैरह निकलती है, इसमें कटोरी वेज बिरयानी और ये है नोट वाला पोला, इसमें है ना हर पाउच में नोट लगे हैं 10-10 नोट नकली नोट है, बच्चे इसे कूब लेते हैं
और इसमें आप देख सकते हैं कुरकुरे, वेज बिरयानी, कटोरी, चिप्स, पॉपकॉर्न, इस तरह के पोले इस पॉली में हैं। और ये है दोस्तों नूडल्स की पेटी है, 5 रुपए बिक्री वाली है नूडल्स की। और इधर आप देख सकते हैं नमकीन है, मूंग की दाल, मिक्सर, टेस्टी, आलू भुजिया, चना दाल। और ये है दोस्तों पतंग वाला पोला, इसमें हर पाउच के साथ एक पतंग जाएगी 5 रुपए वाली, तो ये पतंग वाले पोले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सामान है हमारा, ये पूरा सामान, ये चटनी पोला है, ये पूरा सामान अभी बाइक पर लगाकर आपको दिखाऊंगा। ये पूरा आप देख रहे हो, इतना पूरा बाइक पर लगेगा, ये पेटी छोड़कर और सारा पूरा बाइक पर लगाऊंगा। पहले इन्हें थैले में लगाऊंगा, फिर बाइक पर लगाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा सामान है। ये सामान मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं एक बच्चों के आइटम की लिस्ट बताओ, तो मैंने इसलिए ये सामान बताया है कि मैं क्या क्या सामान रखता हूँ। और अब मैं सामान लगाकर आपको दिखाऊंगा बाइक पर जब लग जाएगा तब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पूरा सामान लग चुका है और मैंने इस तरह से सामान लगाया है। 3 बैग मैंने इस साइड टांगे हैं, आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, और 3 पॉली मैंने ऊपर रखी है। चटनी पोला है, नोट वाले हैं, और पापा की परी है, इधर कुरकुरे चिप्स वगैरह है, और नमकीन है 3 लड़ी मैंने, यानी साथ साथ नमकीन की लड़ी बांध कर मैंने लटकाई हुई है। एक ये है और एक ये है और एक इधर है, टोटल 3 है। और पतंग वाले पोले मैंने पीछे लटकाए हैं, कुरकुरे चिप्स पॉपकॉर्न की 2 थैली मैंने पीछे लटकाई है, और पापा की परी ऊपर रख ली है, और चटनी पोला भी ऊपर रख लिया है मैंने। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस क्रेट में टॉपियों के जा रहे हैं, और 3 थैले मैंने इस साइड लटकाए हुए हैं, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो दोस्तों अब मैं जाऊंगा दुकान पर सामान देने, तो आज मैं कितनी दुकानों पर जाता हूँ वो भी बताऊंगा, और मेरी कितनी बिक्री होती है वो भी बताऊंगा, और कितना मुनाफा होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भैया ने सामान लिया है, क्या क्या सामान लिया है वो आपको बता देता हूँ। तो एक भैया ने लिया है डार्क ब्रावो, और एक लिया है डेरी रोल, और 5 लड़ी मैगी की, एक जलजीरा लिया है, दिलवाला लॉलीपॉप लिया है, और कुरकुरे चिप्स लिए है। और आप देख सकते हैं भैया की दुकान है, भैया ना करा रहे हैं, और ये मेरी बाइक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भैया ने सामान लिया है, 2 लिए हैं डेरी रोल, और 1 लिया चॉकलेट का डब्बा कोकोनट वाला, और 1 लिया है गोकुल पेड़ा 1 रुपए वाला। तो भैया ने टोटल 500 रुपए का सामान लिया है, और आप देख सकते हैं ये लिए हैं 4 चटनी के पोले। तो टोटल भैया ने 500 रुपए का सामान लिया है, और आप देख सकते हैं ये भैया की दुकान है, इस तरह भैया ने दुकान सजाई हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चाचा ने मुझसे सामान लिया है, और क्या क्या सामान लिया है वो आपको बता देता हूँ। तो चाचा ने मुझसे लिए पॉपकॉर्न, चिप्स और संतरा के डिब्बा, 1 दिल वाला लॉलीपॉप, 1 2 वाला लॉलीपॉप। टोटल चाचा ने 820 रुपए का सामान लिया है, और आप देख सकते हैं ये चाचा की दुकान है। और चाचा ने तंबू लगाया हुआ है, जो मिलिट्री होता है वो वाला तंबू है, और आगरा से चाचा कल लेकर आए थे, 2000 रुपए का आया है। ये मिलिट्री का जो तंबू होता है वो नीलामी होकर बाजार में अवेलेबल हो जाता है। और आप देख सकते हो ये चाचा की दुकान है, चाचा ने दोनों साइड बांस की टटिया लगाई हुई है, और उसके ऊपर तंबू डाल दिया है। आप देख सकते हो इधर भी टटिया है, और इस साइड भी टटिया है, और ऊपर चाचा ने छप्पर छाया हुआ है। और दोस्तों आप देख सकते हो फिर मैं आ गया चौथी दुकान पर, तो भैया ने 3 नमकीन ली हैं, 2 चटनी पोले के लिए हैं। टोटल भैया ने 420 रुपए का सामान लिया है, और आप देख सकते हो ये भैया की दुकान है, 3x10 की दुकान है, काफी छोटी दुकान है, लेकिन भैया ने फर्नीचर लगा के उसमें काफी जगह कर ली है, तो भैया का सामान आराम से आ जाता है, और कुछ सामान वो घर में रखते हैं। तो आप देख सकते हो ये भैया की दुकान है। फिर मैं आ गया दोस्तों 5वीं दुकान पर, तो चाचा ने मुझसे सामान लिया है, इमली 1 रुपए वाली, और इमली जूस, अनार चस्का, और 4 लड़ी ली है पोलों की। तो आप देख सकते हो पापा की परी है, कटोरी है, पास्ता है, और पतंग वाला है, नकली लोट वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा पूरा सामान बिक चुका है, ऊपर मैंने 3 पॉली रखी हुई थी पॉप वगैरह की, वो बिक चुकी है, उसके ऊपर 1 चटनी पोला था वो भी बिक चुका है, और नीचे पीछे मैंने नमकीन लटकाई हुई थी वो भी बिक चुकी है, और सारा सामान बिक चुका है, यानी पॉप, नमकीन, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब बिक चुका है। थैलों में भी थोड़ा सामान रह गया है, ये आप देख सकते हो इसमें सिर्फ बोतल है, खाली हो गया है, और इनमें इन थैलों में थोड़ा थोड़ा सामान बचा है। तो दोस्तों आज मेरी बिक्री अच्छी हुई है, और इतनी बिक्री करना एक सेल्समैन के लिए आसान काम नहीं है, इसमें मेरी 6-7 साल की मेहनत है, जब जाके इतना सामान बिकता है। सामान बेचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दुकानदारों से
जुड़ना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मेरी बिक्री हुई है 9,885 रुपए की और मैंने काउंट किया तो उसमें मेरा मुनाफा हुआ है 1,940 रुपए का। तो दोस्तों अगर मेरी तरह आप भी ये काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप किसी दोस्त यार सगा संबंधी अगर वो करना चाहते हो तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।